Bajingos. नमस्कार दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्व इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आज की नई वीडियो। दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि कॉमन सर्विस सेंटर क्या है, इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कितनी कमाई होती है, इसके लिए क्या क्या ज़रूरतें होती हैं जो आपको पूरी करनी होती है, और दोस्तों इसमें हम क्या क्या सर्विस जो है लोगों को प्रदान कर सकते हैं और किन किन सर्विस से हमें कमाई होती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसमें जो लागत है वो कितनी आती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें होती है 2 से 2.5 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट में आप 15 से 20 हज़ार रुपये तक की कमाई कर सकते हो एक महीने में। तो दूसरी बात आती है कि CSC को कैसे लिया जाता है और इसमें क्या क्या सर्विस दी जाएंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कॉमन सर्विस सेंटर है क्या। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत सरकार सभी सरकारी सर्विस सस्ती दर पर लोगों तक पहुँचाना चाहती है और गाँव-गाँव तक पहुँचाना चाहती है। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी द्वारा देश भर में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाते हैं, यानी खोले जाने हैं। अभी आधे से ज़्यादा 2 से 2.5 लाख तक अभी फ़िलहाल हो गए हैं। अगर जहां भी ये कॉमन सर्विस सेंटर अभी नहीं है वहां पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और एक कॉमन सर्विस सेंटर एक पंचायत में आप खोल सकते हो। तो CSC में क्या क्या सर्विसेज होती हैं, CSC में सरकारी, प्राइवेट, सोशल सेक्टर जैसे टेलीकॉम, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, FMCG प्रोडक्ट्स, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस, सभी तरह के प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र, यूटिलिटी बिल जिसमें बिजली पानी का बिल और सरकार की जो भी योजना आती है वो 300 से ज़्यादा सर्विसेज जो हैं CSC पे आपको मिलेंगी, कॉमन सर्विस सेंटर पे आपको मिलेंगी। अब उसके बाद बात आती है कि आपको इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और कहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन आपको करना है। तो दोस्तों इसका रजिस्ट्रेशन जो है आप csc.gov.in पे आप कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि CSC खोलने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपके पास क्या क्या होना चाहिए। एक तो सबसे पहले बात आती है स्पेस की, आपके पास 100 से 150 वर्ग फुट का स्पेस होना चाहिए और कम से कम एक कंप्यूटर UPS के साथ होना चाहिए, एक प्रिंटर होना चाहिए, एक वेब कैमरा होना चाहिए, जेनसेट या इन्वर्टर या सोलर पैनल, ये सब में से पावर बैकअप इनको यानी बात कर लूँ तो पावर बैकअप आपको चाहिए, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ब्रॉडबैंड के कनेक्शन है वो आपके पास होना चाहिए, और इन सारी चीज़ों को कुल मिला के खर्चा लगभग 2 से 2.5 लाख का आता है। इसमें आपको फर्नीचर भी चाहिए, बैठने के लिए स्थान चाहिए, और भी जो छोटी मोटी ज़रूरत होती है, एक रेंटेड स्पेस चाहिए या आपका अपना स्पेस है गांव में, आपका अपनी दुकान है तो आप अपनी दुकान पे भी ये खोल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था इन्वेस्टमेंट का, अब बात आती है रजिस्ट्रेशन की। जो मैंने पहले बात कर रहा था कि csc.gov.in पे जाके आप वेबसाइट पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो वेबसाइट, अगर आपको इसके बारे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मेरे को बता दें, मैं रजिस्ट्रेशन की वीडियो भी आपके सामने बना दूंगा कि कैसे आपको जो है csc.gov.in पे जाके वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। एक छोटा सा मैं इसमें बता दूं कि इसमें आपको आधार के जरिए OTP या फिंगर वेरिफिकेशन के जरिए ऑनलाइन आवेदन इसमें आप कर सकते हो। अगर इसमें आपको ऑफलाइन आवेदन करना है तो ग्राम पंचायत या नगर पंचायत स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाता है,
आपको इस कमेटी के पास आवेदन करना होगा, पर अभी इजीली ये है कि आप इसको ऑनलाइन ही करें, जिसमें आपको किसी भी तरह का ये पंचायत और नगर पंचायत स्तर की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑनलाइन ही इसका आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद बात आती है कि सीएससी में क्या क्या सर्विसेज होती हैं, कैसे लोगों की आप हेल्प करते हो और कैसे जो है उसका कमीशन आपको मिलता है। तो सीएससी में पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, मतदाता सूची में नाम जुड़वाना, जो वोटर कार्ड होती है उसमें नाम जुड़वाना, पहचान पत्र, पासपोर्ट बनाने की सुविधा दी जाती है, इसमें पासपोर्ट एप्लीकेशन आप ऑनलाइन अपने यूज़र आईडी से लोगों का डाल सकते हो। इसके अलावा भी और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं, मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल बिल पेमेंट, डीटीएच रिचार्ज है, इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र है, डाटा कार्ड रिचार्ज है, LIC प्रीमियम है, बस बुकिंग है, SBI लाइफ इंश्योरेंस की और अन्य जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके आप इंश्योरेंस भी कर सकते हो, थर्ड पार्टी कॉम्प्रहेंसिव जनरल इंश्योरेंस आप कर सकते हो। पर इनके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी होती हैं, उसके बाद जो है आप इंश्योरेंस की सर्विसेज भी अपने CSC सेंटर से ही चला सकते हैं। इसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेंशन सर्विस भी लोगों को दी जाती है। अभी सरकार जो PMG दिशा का प्रोग्राम चला रही है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता, वो आपको CSC पे प्रोवाइड होता है। वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग आप इससे दे सकते हो। किसानों को CSC के माध्यम से मौसम की जानकारी, मिट्टी की जांच, ये बाकी भी जो भी सर्विसेज हैं, आपके इक्विपमेंट्स हैं, उपकरण हैं, जो भी किसानों को चाहिए होते हैं वो भी आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो CSC के माध्यम से। टेलीमेडिसिन सर्विस है, इसके साथ साथ DigiPay जो आजकल आ रहा है कि आधार से आप विड्रॉल और डिपॉजिट किसी भी कस्टमर का कर सकते हो, उसमें भी आपको कमीशन मिलता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको कॉमन सर्विस सेंटर में मिलती हैं। आप अभी तक बेरोजगार हैं तो जल्दी से जल्दी जो है कॉमन सर्विस सेंटर खोल लें अपनी पंचायत में और अच्छा आप इससे मार्जिन मनी कमा सकते हैं। फास्टैग की सर्विसेज जो अभी हाल ही में शुरू हुई है, अगर आपके आसपास कोई भी बैरियर है, टोल बैरियर है, तो आप उस पर जो है फास्टैग गाड़ियों पे लगा के अच्छा कमीशन कमा सकते हो। तो दोस्तों इस तरह की और भी जो भी सरकारी सर्विसेज आगे भी आएंगी तो वो भी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जुड़ेंगी। अभी पतंजलि के प्रोडक्ट्स, क्रॉम्पटन जो बिजली बनाने वाली, बिजली के उपकरण बनाने वाली कंपनी है, उसके भी प्रोडक्ट्स आप CSC के माध्यम से बेच पा रहे हो। तो इस तरह की जो भी और भी सर्विसेज आएंगी आगे कॉमन सर्विस सेंटर से जुड़ेंगी और आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। तो आप अभी तक भी सोच रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाने का तो सोचिए मत, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि ये मौका बाद में नहीं मिलने वाला है आपको। तो जल्दी से जल्दी आप जो है csc.gov.in पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लें और आपको जल्द ही जो है रजिस्ट्रेशन जो नंबर है वो आपको मिल जाएगा। आपको जो भी ID वगैरह, ID और पासवर्ड मिलता है उस पोर्टल का, वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और जानकारी के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं CSC, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और भी जो भी मोबाइल, इंटरनेट, बैंकिंग, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के जरिए मुझसे जुड़ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर आंसर करूँगा। और इसी तरह मेरे चैनल पर आप जुड़े रहें, आप अगर जो पहले से जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे भी और भी प्लानिंग कर रहा हूँ अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए, अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्रॉब्लम सॉल्व इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया को अपनाएं और रोज नई वीडियो की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल ईमेल पर प्राप्त करें।
सॉल्विन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया को अपनाएं और रोज नई वीडियो की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल ईमेल पर प्राप्त करें।